पर उसके लिए वो कान चाहिए जो गाने पे ना हिले हुए हों। तुम्हारी गाड़ियों में म्यूजिक चलता है, टक्कर लगी और मर गए तो क्या जवाब दोगे अल्लाह को, किस हाल में मौत आई। हर चीज का नजारा अल्लाह ने आगे रखा है। जुनैद जमशेद मुझसे कहने लगा, हम जो गाना बनाते थे हफ्ता 10 दिन लगाकर, बाज़ औक़ात पूरा पूरा महीना एक गाने पे लग जाता था, वो गाना 3.5 मिनट का बनता है, 3.5 मिनट का एक गाना बनता है, 3.5 मिनट, क्योंकि इससे लंबा बने तो फिर लोग बोर हो जाते हैं, सुनते हैं, इतना लंबा सुनते नहीं, तो 3.5 मिनट का मैक्सिमम गाना बनाया जाता है, और उस पर कभी हफ्ता, कभी 10 दिन, कभी 15 दिन, कभी महीना। मैंने कहा पागल दीवाने, मेरा रब मेरे नबी का फरमान है, जन्नत का पहला नगमा जो अल्लाह सुनाएगा वो 70 साल लंबा होगा, 70 मिनट का नहीं होगा, 70 साल एक ही धुन सुनते रहोगे, एक ही राग सुनते रहोगे, उस राग में इतनी रागनियां होंगी कि 70 बरस के बाद अल्लाह तुम्हें दूसरी चीज में लगाएगा, तुम कहोगे यो सुन दे रवि सह हो कैसा है। पर ये वो कान सुनेंगे जो दुनिया में म्यूजिक नहीं सुनते, अगर यहां म्यूजिक सुनोगे तो वहां के म्यूजिक से अल्लाह तुम्हें महरूम कर देगा। अल्लाह जन्नत की लड़कियों से कहेगा आ जाओ, फिर तुम्हें कहेगा आ जाओ जो दुनिया में म्यूजिक नहीं सुनते थे, ये शर्त लगाएगा, आ जाओ जो हौसलों में गाना नहीं सुनते थे, आज तुम्हारा रब तुम्हें जन्नत का गीत सुनाता है। फिर अल्लाह जन्नत की लड़कियों से कहेगा गाओ, उधर से जन्नत साज बनेगी, और उनकी आवाज, जन्नत की औरत समंदर में थूक डाले तो 7 समंदर मीठे हो जाते हैं, वो थूकती नहीं है, ऐब है थूकना, अगर थूके तो समंदर मीठे हो जाएं तो उसका बोल कैसा होगा। जब वो गाएंगी और जन्नत साज, ये साज और आवाज, ये सुर और साज, तो जन्नत वाले मस्त हो जाएंगे, तो अल्लाह फरमाएगा कैसा पाया, कहेंगे या अल्लाह बड़े मजे आए, तो अल्लाह फरमाएगा तुम्हें इससे भी आला सुनाऊं, कहेंगे इससे आला भी है कहां, तो अल्लाह ताला फरमाएंगे दाऊद दाऊद या दाऊद ताला इरकर मिंबर, ए दाऊद आजा मिंबर पे बैठ और मेरे बंदों को मेरा गीत सुना। दाऊद अलैहिस्सलाम की आवाज इतनी शीरी थी दुनिया में अपने जमाने में, जब वो जबूर पढ़ते थे तो पहाड़ हिलने लग जाते थे, ऐसे या जिबालो अव्वबी माहू, पहाड़ ऐसे हिलते थे उनकी आवाज सुनकर, तो जन्नत में क्या हाल होगा, तो वो कहेंगे अल्लाह मेरी आवाज तो दुनिया में थी, यहां मैंने जन्नत के जलवे शामिल करके वापस कर दी है। जब दाऊद अलैहिस्सलाम सुर उठाएंगे और साथ साज आएगा तो जन्नत वालों को अपना आप ही भूल जाएगा, फिर कहेंगे हाँ मेरे रब, हाँ मेरे बंदो, अल्लाह कहेगा कैसा पाया, कहेंगे या अल्लाह बड़ा मजा आया, तो अल्लाह ताला फरमाएंगे अब तुम्हें इससे भी अच्छा सुनाऊं, अच्छा इससे भी अच्छा है कहा, या हबीबी या मोहम्मद, ए मेरे हबीब ए मोहम्मद ताला अरकल मेंबर, आजा मेंबर पे बैठ, अब तेरी बारी है, तू मेरे बंदों को सुना। अब अल्लाह के नबी की आवाज और जन्नत का साज, ये साज और आवाज, ये सुर ये साज, ऐसे जलवे होंगे कि खुद जन्नत मस्त हो जाएगी। अल्लाह फरमाएंगे कैसा है, कहेंगे जबरदस्त चस आ गई, तो अल्लाह ताला फरमाएंगे इससे अच्छा सुनो, या अल्लाह क्या इससे अच्छा भी कोई है, कहां तुम्हारा रब तुम्हें खुद सुनाए, तुम्हारा अल्लाह तुम्हें खुद सुनाए, लम यबका इल्ला अरहमुर राहिमीन, लम यबका इल्ला अरहमुर राहिमीन, अब तुम्हारे अरहमुर राहिमीन रब की बारी है, अब वो तुम्हें सुनाएगा, या रिज़वान ए रिज़वान, जन्नत का बड़ा फरिश्ता, इरफ़अल हुजब बैनी व बैन इबादी व ज़ुवारी, ए रिज़वान पर्दे हटा दे, आज मेरे बंदे और बंदियां मुझे आंखों से दीदार करें, कानों से मेरा कलाम सुने, आंखें ठंडी हों मेरे दीदार से और कान ठंडे हों मेरे कलाम से, तो पर्दे जो हटेंगे तो आप खुद सोचो यूसुफ अलैहिस्सलाम का बनाने वाला खुद कैसा होगा, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बनाने वाला खुद कैसा होगा, पर्दे हटेंगे और अल्लाह सामने, वो उतना ही काफी हो जाएगा, अल्लाह ना बोले तो ही मस्त हो जाएंगे, फिर अल्लाह क्या करेगा, फिर अल्लाह अब साज की जरूरत नहीं है, अल्लाह की आवाज के लिए साज जरूरत नहीं है, अब अल्लाह ही साज भी है, अल्लाह ही आवाज भी है, और अल्लाह ही का कलाम है, और अल्लाह कुरान सुनाएगा, कुरान अल्लाह अपना कुरान सुनाएगा,
اور ایک حدیث میں آتا ہے سورہ طہٰ پڑھ کے سنائے، سورہ انعام پڑھ کے سنائے گا، ویسے سارا قرآن سنائے گا، اللہ سارا قرآن سنائے گا، تو جب اللہ کی آواز آئے گی تو اس کو میں تعبیر تو کر ہی نہیں سکتا ہوں، کوئی تعبیر نہیں کیا جا سکتا، ہاں ایک حدیث سے اس پر قیاس کروا سکتا ہوں کہ ایوب علیہ السلام 18 برس بیمار رہے، 18 برس بہت تکلیف دیکھی، دردیں تھیں جسم میں، دردیں تھیں، کیڑے ویڑے کوئی نہیں تھے، دردیں تھیں بہت زیادہ، اور 18 برس کی تکلیف تھی، پوڑی جان توڑ، تو جب اللہ نے صحت دے دی تو ایک دفعہ ایک آدمی نے پوچھا ایوب آپ کو بیماری کے دن یاد آتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا بیماری کے دن آج کے دنوں سے بڑے مزے کے تھے. تو انہوں نے پوچھا وہ کیسے مزے کے تھے؟ کہ جن دنوں بیمار تھا روزانہ 24 گھنٹے میں ایک دفعہ اللہ مجھے پوچھتا تھا، عرشوں سے آواز آتی تھی ایوب کیا حال ہے، کیا حال، بس اس آواز کی لذت میں ہر شب بھول جاتا تھا، جب سے صحت ملی ہے وہ آواز چلی گئی ہے. تو جب اللہ پردے بھی ہٹا دے اور جنت میں بھی بٹھا دے اور جلوے بھی دکھا دے اور کلام بھی سنائے تو اس میں پھر کیا بتاؤں کہ کیا حال ہوگا. لیکن یہ ان کے لیے ہوگا جو یہاں اپنے کانوں پر میوزک کو حرام کر لیتے ہیں. یہ چند دن کے کانوں پہ پردے ڈال لو پھر تمہیں اللہ اپنا کلام سنانے والا ہے، اپنے نغمے سنانے والا ہے، جنت کے نغمے سنانے والا ہے.